Everyone, today we will discuss about orbital motion of electrons. इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति द्वारा चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है और इसका इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे क्या प्रभाव पड़ता है. किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में कक्षीय गति करते हैं, ऑर्बिटल मोशन करते हैं. जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बीच में जो है नाभिक को लिया गया है, जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में r त्रिज्या के कक्ष में v वेग से गति कर रहा है. तो इलेक्ट्रॉन का परिभ्रमण काल t इज इक्वल टू 2πr/v और इलेक्ट्रॉन की जो आवृत्ति है घूमने की आवृत्ति v या न्यू जिसको लेते हैं वो 1/t इज इक्वल टू v/2πr इज इक्वल टू ω/2π. इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति धारावाही लूप के तुल्य होती है जिसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो I इज इक्वल टू E/T और इसको लिख सकते हैं E ω/2π. चूँकि जो धारावाही लूप है वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के तुल्य होता है जिसका चुंबकीय आघूर्ण μEL इज इक्वल टू IA. अब यहाँ पे I की वैल्यू समीकरण नंबर 3 से रखने पर और ए जो है वो एरिया πr² रखने पर हमें μEL इज इक्वल टू E/2mL प्राप्त होता है. यहाँ L जो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसी इक्वेशन को सदिश रूप में लिखें तो इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय आघूर्ण इज इक्वल टू -E/2mL. ये इक्वेशन नंबर 5 है. इस समीकरण में हमने ऋणात्मक चिन्ह लगाया है. ये नेगेटिव साइन ये व्यक्त करता है कि इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल मोशन है, जो कक्षीय गति है, उसके लिए जो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, अर्थात μEL और L एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और ये इस डायग्राम में अपन देखेंगे. इलेक्ट्रॉन के कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण μEL और कोणीय संवेग L के अनुपात को ऑर्बिटल जायरोमैग्नेटिक रेशियो द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसे गामा से लिखते हैं. तो गामा इज इक्वल टू E/2m. क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार वृत्तीय कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L क्वांटिकृत होता है. इसके कंटिन्यूस वैल्यूज़ नहीं होते हैं और इनके जो क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ हैं वो होंगी H/2π√L(L+1) या H/2π को H क्रॉस से लिख सकते हैं. या L जो है एंगुलर क्वांटम नंबर है और इसके मान 0 से लेकर के N-1 तक होते हैं. N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. यूजिंग 7 इन इक्वेशन नंबर 5 वी गेट μEL इज इक्वल टू -E/2m√L(L+1). E/2m को बोर मैग्नेट्रॉन μB लिखने पर ये EL जो है -μB√L(L+1). ये μB जो बोर मैग्नेट्रॉन है इसकी वैल्यू 9.27×10⁻²⁴ प्राप्त होती है. तो ये जो म्यू बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कक्षीय कोणीय संवेग L का घटक जो है LZ वो भी क्वांटाइज्ड होता है, उसकी भी कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं होती है. LZ इज इक्वल टू ML H क्रॉस. यहाँ पे ML जो है वो चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या है जिसकी वैल्यू 0, ±1, ±2 एंड सो ऑन प्राप्त होते हैं. और यहाँ पे थीटा L का Z अक्ष की दिशा के सापेक्ष बना कोण है. B की दिशा में समीकरण 5 से μEL का घटक μEL इज इक्वल टू ML×E/2m. 7 में जो चित्र प्रदर्शित किया गया है वो L=2 के लिए Z के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है. L=2 के लिए M के जो मान है वो 0, ±1 और ±2 होंगे और इसके करस्पॉन्डिंग Z दिशा में LZ को व्यक्त किया गया है. अभी हमने इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन से संबंध चुंबकीय आघूर्ण को देखा. दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन से संबंध चुंबकीय आघूर्ण. यानी इलेक्ट्रॉन जो है अपने वृत्ताकार कक्ष में गति करने के साथ साथ अपनी एक्सेस के करस्पॉन्डिंग स्पिन मोशन भी करता है, तो इससे संबंध चुंबकीय आघूर्ण भी होगा. परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति के साथ साथ अपनी स्वयं की एक्सेस के सापेक्ष स्पिन भी करता है. स्पिन मोशन से रिलेटेड चुंबकीय आघूर्ण को μS कहते हैं. तो μES इलेक्ट्रॉन का स्पिन चुंबकीय आघूर्ण इज इक्वल टू -γS E/2mS. यहाँ पे गामा जो है स्पिन जायरोमैग्नेटिक रेशियो
और एस स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है ये भी क्वांटाइज्ड होता है, इसकी वैल्यू एच क्रॉस अंडर रूट एस एस प्लस वन होती है, और यहाँ पे जो एस है वो स्पिन क्वांटम नंबर है स्मॉल एस, इसकी वैल्यू हाफ होती है। इस तरीके से जो एस है वो हो जाएगा अंडर रूट थ्री बाई टू एच क्रॉस। इस इक्वेशन जो ऊपर लिखी है हमने इक्वेशन नंबर वन, इसमें माइनस साइन लगाया है, यह साइन ये दर्शाता है कि म्यू ईएस और एस की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में एस की दिशा की बी की दिशा में जो कंपोनेंट होता है एस जेड वो भी क्वांटीकृत होता है, और इसको लिख सकते हैं एस जेड इज इक्वल टू एम एस एच क्रॉस और एम एस की वैल्यू प्लस माइनस हाफ एच क्रॉस। और यहाँ साथ में जो डायग्राम है उसमें प्रदर्शित किया गया है कि एस और म्यू एस एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, या एम एस जो लिया है उसके कुल मान 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई टू, 2 इंटू 1 बाई टू प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मान प्राप्त होते हैं, जो कि प्लस हाफ और माइनस 1 माइनस हाफ होते हैं। तो एम एस जो प्लस हाफ होता है वो स्पिन अप के लिए, और जो माइनस हाफ होता है वो स्पिन डाउन के लिए। एम एस को मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, जहाँ पे एस जो है अंडर रूट थ्री बाई टू एच क्रॉस है, और म्यू ई एस जो है उसको गामा एस ई बाई टू एम अंडर रूट थ्री बाई टू एच क्रॉस लिख सकते हैं। इसका जेड घटक है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 हाफ गामा एस म्यू बी। अभी हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन मोशन भी करता है और ऑर्बिटल मोशन भी करता है, तो दोनों से रिलेटेड अलग अलग चुंबकीय गुण होते हैं। तो अब कुल चुंबकीय गुण ज्ञात करते हैं, जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो कुल कक्षीय कोणीय संवेग L और स्पिन कोणीय संवेग S का सदिश योग J कहलाता है। सो J इज इक्वल टू L प्लस S। यहाँ पे जो J की वैल्यूज है वो हो सकती है H क्रॉस अंडर रूट L सॉरी J J प्लस 1, L की होगी H क्रॉस अंडर रूट L L प्लस 1, और S की होगी H क्रॉस अंडर रूट S S प्लस 1। अब J से संबंधित जो चुंबकीय गुण है उसको हम लिख सकते हैं म्यू जे इज इक्वल टू माइनस जी जे ई बाई टू एम जे। जे की वैल्यू एच क्रॉस जे जे प्लस वन करेंगे, और ई एच क्रॉस अपॉन टू बी को बोर मैग्नेटोन लिखने पर जे से संबंध चुंबकीय आघूर्ण म्यू जे इज इक्वल टू माइनस जी जे म्यू बी अंडर रूट जे जे प्लस वन होता है। यहाँ पे जो जी जे है वो लांदेस स्प्लिटिंग फैक्टर है, और इसकी वैल्यू वन प्लस जे जे प्लस वन प्लस एस एस प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन डिवाइडेड बाई टू जे जे प्लस वन के बराबर होती है। प्योर रोटेशन के लिए जो जी एल है उसकी वैल्यू वन होगी, और प्योर स्पिन के लिए जी एस की वैल्यू टू होगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने नाभिक में ऑर्बिटल मोशन भी करता है नाभिक के चारों तरफ, और स्पिन मोशन भी करता है। तो इससे जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको धारावाही लूप के तुल्य माना जा सकता है, और जो धारावाही लूप है उसके संबंध चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसी कारण इलेक्ट्रॉनों की स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन के कारण पदार्थ में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं।